तेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। बाबा, आपको नई जॉब कब मिलेगी? पता नहीं बेटा। बाबा, आप ऐसा करें कि एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के फादर्स भी बिजनेस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्कूल की फीस भी टाइम पे सबमिट हो जाती है। बल्कि बाबा, स्कूल फीस की नो टेंशन। You already know, Mama is applying for job in my school, and you already know that she's very good at art and crafts, and our teacher ke liye, she's the best. जी ठीक है, मैं कल मिलने आ जाऊंगी। अब आना कहाँ पे होगा? ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। थैंक यू सो मच, ऑफिस। आप किसको फोन कर रही थी जॉब के लिए? हर जानने वाले से तो रिक्वेस्ट कर चुकी है तुम, अब कौन था? सी क्या हुआ? बुरी लगी मेरी बात? गुस्सा आ रहा है मेरी बात सुन के? क्या हो गया सी आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं कर रहा हूं ऐसी बातें? मेरी बेकारी, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी का मजाक तुम उड़ा रही हो, और ना सिर्फ मजाक उड़ा रही हो बल्कि पब्लिसिटी कर रही हो, हर जानने वाले को बता बता कर। मैं कर रहा हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करी, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और तुम्हारा भाई दूसरे शहर से फोन करके मुझे बातें सुना रहा है, मदद की पेशकश कर रहा है। मेरा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारी जॉब के लिए मुझसे इजाजत मांग रहा है, मुझे बता रहे कि मुझे बीवी को खुश कैसे रखना है, अपने खानदान की परवरिश कैसे करनी है, वो मुझे बता रहा है। मेरी बर्बादी की दास्तान मेरे ही जानने वाले नमक मिर्च लगाकर मुझे ही सुना रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। बच्चे भी यही समझ रहे हैं कि मैं अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बेकार। बस अब सिर्फ है तो उनकी माँ, बस। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। और जहां तक जॉब की बात है, मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, उसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम अब मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। वो ऐश और आराम, वो आसाइशें, उनकी वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, और अब सब कुछ छिन जाने के डर से तुम्हें मेरी हर चीज बुरी लग रही है। मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हो ना, है ना? मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो ना? मेरे साथ ये बातें नहीं करें सी, मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं मान जाऊंगी, मेरे साथ ये बातें मत करो। ना तो मुझे चाहिए, तुम्हें तो जॉब मिल जाएगी, तुम बच्चों के खर्चे उठा लोगी, उनकी परवरिश कर लोगी, उन्हें अच्छी जिंदगी दे दोगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपने बच्चों के, बल्कि अब तो मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसा ही है, मरना तो मुझे चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। साया बन के छाया गम हो जहां, वो कैसे बुझाले वहां। मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता।
मेरी बर्बादी की दास्तान मेरे ही जानने वाले नमक मिर्च लगाकर मुझे ही सुना रहे। इन सब की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम।